फ्रेंड्स, इंडिया में यूट्यूब कल्चर उतना ज़्यादा नहीं है जितना फॉरेन कंट्रीज़ में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे लोगों के पास टैलेंट नहीं है। जितनी पॉपुलेशन है यहाँ की, उससे ज़्यादा लोगों के पास यहाँ पे टैलेंट है। और ठीक ठाक क्वालिटी वाला कैमरा तो यार हर जगह अवेलेबल है आजकल, हर कोई अपने जेब में लिए घूम रहा है। पर दिक्कत ये है कि कुछ ज़्यादा ही ईजिली अवेलेबल है। कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ मिलके, कुछ लोग अपने छर्रों के साथ मिलके, कॉलोनी के कुछ भी शूट कर लेते हैं, कुछ भी एडिट कर देते हैं और उसको YouTube पे अपलोड भी कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को वीडियो अपलोड नहीं करना चाहिए, पर यार कम से कम ये तो देख लो कि वीडियो अच्छी बनी है कि नहीं बनी है। कुछ ऐसी वीडियोस मेरे पास हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सो प्लीज़ हैव अ लुक। मैंने तो इसे यहां रखा था, नीचे कैसे गिर गया? बस स्कूल से आकर के पोकेमोन देखा और कैमरा उठा के लगे वीडियो बनाने। यार ये चल क्या रहा है? ऐसा लग रहा है यार जैसे कि किसी ने जोर जबरदस्ती में चने के झाड़ पे चढ़ा दिया इन लोगों को, बोलाओ कि यार स्कैरी मूवी में रोल दिलाएंगे तुमको। अमाग्रा मैं गया था बाबा जी, हम अक्टूबर में गया था। देखो बेटा, पर यही चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, ये इतना पुराना जोक मारा ना इन लोगों ने। इतने साल पहले सुना था मैंने ये जोक, लेकिन तब भी हंसी नहीं आई थी मुझे इस जोक पे, और आज भी नहीं आ रही। कट जाता हूँ, इस वीडियो के पीछे इसी का हाथ लगता है। यही वो बदनसीब लड़का है जिसने सबको पीटिस खिलाई होगी इस पिक्चर में काम करने के लिए। Can I have some water, please? Yes, sure, sir. And your order? Please wait. I'll see the first menu. ट्यूशन के रजिस्टर को मेन्यू बना दिया, किचन से एक प्लेट उठा के रख दी, नाइफ और फॉर्क की जगह प्याज काटने वाले चाकू को रख दिया। और यार जब ये चश्मे वाला बच्चा इंग्लिश बोलता है ना यार, तब मुझे अपने स्कूल के टाइम याद आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रिंसिपल ने बाथरूम में पकड़ लिया हो और वहीं पर जबरदस्ती इंग्लिश में बुलवा रहा हो। अरे ओ भाई साहब, थोड़ी साइड में लगा लो ना। क्यों, क्या हो गया? आपको क्या दिक्कत हो रही है? बिजनेस छूट रहा है क्या आपका? बिजनेस की बात करोगे? अभी दो मिनट रुको, आप बुला जिसको बुला। अरे भाई जरा देखिए इन्हें, कौन देखने आ रहे? अभी बिजनेस बताते हैं तुम्हारा, तो जैसे काले कौन हो गया। हां भाई, क्यों क्या कह रहा है? बिजनेस कराता हूं तुम्हारा। ना ना, हमने तो बोला ही नहीं। 2 मिनट रखो, तुम तीनों को हैंडल करके दिखाता हूं। Let's run! Whoa, 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 whoa.
यार घर वाले बेचारे गाड़ी को आगे पीछे करने के लिए इन लोगों को चाबी पकड़ा देते हैं, पर ये लोग अपनी झांकी दिखाने के लिए पूरी कॉलोनी भर गाड़ी घुमाते हैं और उस पर वीडियो भी बनाते हैं। और यार ये लड़कियां भी बहुत होशियार होती हैं, इन टाइप के चूतियापन से ना ये लोग बहुत दूर रहती हैं। तभी देखो ये लड़की का रोल भी साले इस लड़के को ही करना पड़ रहा है, मुंह पे काला कपड़ा बांध के गाड़ी में बिठा दिया बेचारे को। तो गाड़ी चलाता देख मुझे ऐसा लग रहा है ना यार जैसे कि अभी इसका बाप पीछे से आएगा और इसको गाड़ी से उतार के डंडे डंडे से। आजकल की रेड लाइट्स क्या हुआ साहब जी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया साहब जी। अरे लो यार तुम भी क्या याद रखो। सो लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियोस बनाओ, एक्सपेरिमेंट्स भी करो, बट एटलीस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ये नहीं कि सारी चूतिया पा इग्नोर करके तुमने वही वीडियो अपलोड कर दी। पापा चला दो ना, पापा पापा एसी चला दो, चला दो ना, पापा वाले बाबू मेरा एसी चला दो, पापा वाले बाबू मेरा एसी चला दो, एसी चला दो। अरे बच्चों चुप हो।